हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एवेन्यू सुपरमार्ट या डीमार्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर थ्री के इसके नतीजे आए हैं, नतीजों के बारे में बताएंगे। बहुत ही अच्छे नतीजे आए हैं, बिजनेस अपडेट्स आपको बताएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, अच्छे नतीजों के बावजूद भी, एनालिस्ट क्यों आज की तारीख में इस स्टॉक में बाई की रेटिंग देने से कतरा रहे हैं? तो फंडामेंटल्स जो है, वैल्यूएशंस जो है, क्या रीजन है कि आज की तारीख में डीमार्ट के शेयर इतना अच्छा उसने रिटर्न दिया ही हुआ है, लेकिन फिर से नई बाइंग करने के लिए ना कहा जा रहा है, या फिर कहा जा रहा है कॉशस रहिए। तो फंडामेंटल, म्यूचुअल फंड, एक्शन, सब कुछ बताने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। क्वार्टर थ्री के नतीजे आए हैं। क्वार्टर थ्री मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो क्वार्टर था 2020 का। अब ये क्वार्टर में फेस्टिवल्स थे और उसका डीमार्ट को बहुत फायदा मिला है। ये देखिए आपके सामने है प्रॉफिट का डेटा, 16% प्रॉफिट डीमार्ट का बढ़ा है। और ये देखिए 384 करोड़ का प्रॉफिट था, ये कौन से क्वार्टर में? 2019 वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उस क्वार्टर में। और अब देखिए 447 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, मतलब ये टोटल 16% का ये जंप है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट बढ़ा है 384 करोड़ से 447 करोड़। रेवेन्यू इसका बढ़ा है 11%। ये देखिए रेवेन्यू था 6808 करोड़, ये भी 2019 वाले क्वार्टर में था। और ये 2020 वाला जो क्वार्टर जो खत्म हुआ अभी कुछ दिनों पहले ही, 7500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू था दोस्तों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पैट कहा जाता है दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो 5.9 है, और ये भी रिकॉर्ड मार्जिन है दोस्तों, ये रिकॉर्ड मार्जिन है। ये पहले 5.7% तक हुआ करता था। तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं, ये रिजल्ट देख के कोई भी एक्साइटेड हो जाए स्टॉक खरीदने के लिए। लेकिन अंदर की कहानी क्या है, अंदर की बात क्या है, वो जरा जानने की कोशिश करते हैं। फिर भी अभी ये डीमार्ट का स्टॉक में बाई कॉल नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर है तो। क्योंकि जो वैल्यूएशन है बहुत ही महंगे, कंपनी आपको सस्ते में नहीं मिल रही है। थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा, ये 200 का, अगर आज का इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो ये 200 के पास में है। भले ही अर्निंग अभी हो गई है तो थोड़ा सा प्राइस अर्निंग कम हुआ होगा, और फाइनेंशियल ईयर 22 यानी अगले साल के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी आप देखें तो 68 का प्राइस अर्निंग रेशियो और ईवी बाई एबिट्टा जो है 45 का। तो ये सस्ते में तो स्टॉक आपको नहीं मिल रहा है। तो यही जो रिसर्च हाउसेस हैं उनका यही कहने का है कि कंसोलिडेशन हो सकता है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि जो स्टॉक प्राइस है एक रेंज में रहेगा, एक रेंज में ऊपर नीचे चलता रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा मूवमेंट नहीं आ जाएगा। तो ये जो मूवमेंट आने की जो आशंका है वो बहुत कम है, एक कंसोलिडेट एक रेंज में रहेगा ऐसी उम्मीद है, क्योंकि स्टॉक सस्ता नहीं है, महंगा है। और बिजनेस फ्रंट में भी आप देखें तो चूंकि अब ऑनलाइन पर बहुत ज्यादा फोकस शुरू हो गया है, जियो भी अब आ गया है, जियो मार्ट आप देख सकते हैं, बिग बास्केट तो ऑलरेडी है, और भी नए नए प्लेयर सब आ रहे हैं ऑनलाइन में, तो एग्रेसिव ऑनलाइन कॉम्पिटिशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो ग्रोथ है प्राइस ग्रोथ का, उसके लिए बहुत ही कम रूम आज की तारीख में लगता है डीमार्ट के शेयर में। तो दोस्तों ये चीज को आप ध्यान में रखिए, स्टॉक का प्राइस 2,900-3,000 रुपए के आसपास में है, लेकिन स्टॉक आपको सस्ता नहीं मिल रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से। ये है आपके सामने रिसर्च हाउसेस के टारगेट। देखिए कोटक ने सेल की सलाह दी है, 1,885 रुपीस का टारगेट दिया है। HDFC सिक्योरिटीज ने सेल की सलाह दी है। देखिए ये जब सेल की सलाह होती है तो जनरली ऐसा माना जाता है कि कंपनी का कोई रिजल्ट खराब आया है या भविष्य में कुछ खराब होने वाला है। नहीं, यहाँ पर यूनिक केस है, यहाँ पर बिजनेस में प्रॉफिट है, प्रोमोटर का अच्छा रिस्पेक्ट है, सब कुछ अच्छा है। सेल की सलाह शायद इसीलिए दी जा रही है क्योंकि कंपनी आपको सस्ते में नहीं मिल रही है, जो वैल्यूएशन की जो हम बात कर रहे थे, वैल्यूएशन महंगे हैं। जेफरीज ने होल्ड की सलाह दी है और क्रेडिट सुसे ने अंडर परफॉर्म की सलाह दी है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा प्राइस एप्रिसिएशन इन्वेस्टर को मिलने की उम्मीद कम है। तो अगर आप 5-10 साल के लिए सोच रहे हैं तो आप यहां पर होल्ड जरूर ही कर सकते हैं, जैसे जेफरीज ने कहा हुआ है। लेकिन शॉर्ट टर्म है तो आप जरूर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस है उसको रिविजिट कीजिए दोस्तों, और अपना जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए।
अब ये मैनेजमेंट ने इम्पोर्टेंट बातें की करी है आपको, मैं वैल्यूएशन और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है म्यूचुअल फंड के एक्शन, उससे पहले ये बता दूं आपको, क्योंकि ये जो क्वार्टर थ्री का जो बिजनेस है यहाँ पर बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन कंपनी का ये कहने का है कि जो कपड़े हैं, अपैरल, लॉन्ड्री, फुटवेयर, ट्रैवल से जुड़ी हुई चीजें, ये सब चीजों में बिजनेस अभी भी नहीं हो पा रहा है, और कुछ कैटेगरीज में तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। कंपनी ने क्लियर कट कह दिया है, बहुत ही ज्यादा समय लगेगा ग्रोथ आने में, तो ये चीज को आप ध्यान में रखिए। लेकिन जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, जो घर में बैठ के जो प्रोडक्ट आप सेवन करते हैं, यूज करते हैं, उसका जो बिजनेस है उसका अच्छा है। लेकिन जैसे कपड़े आप बाहर पहनते हैं तो लोग आज कपड़े कम खरीद रहे हैं, फुटवेयर जो चप्पल है, जूते हैं, आज लोग कम खरीद रहे हैं, तो ये चीज को आप ध्यान में रखें। ये कोविड के बाद ये एक इफेक्ट है जो देखने को मिल रहा है पूरी इंडस्ट्री में दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जरूर कुछ ना कुछ लर्निंग भी हुई होगी, या कुछ आपको बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में भी आपको कुछ नया समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ कुछ आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आगे और इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं, ये देखिए फेस्टिवल सीजन जो अक्टूबर नवंबर का था वहां पर अच्छा खासा बिजनेस हुआ है, लेकिन दिसंबर में बिजनेस नहीं हुआ है। बहुत सारे राज्य जैसे अहमदाबाद की बात कर लीजिए या बॉम्बे की भी बात कर लीजिए, नाइट कर्फ्यू वहां पर शुरू हो गए थे, तो फिर दिसंबर में थोड़ा बहुत बड़े बड़े सिटीज में बिजनेस थोड़ा कम हुआ है, अक्टूबर नवंबर में अच्छा बिजनेस हुआ है। अब देखिए इनकॉन्सिस्टेंट सप्लाईज है कुछ नॉन एफएमसीजी सेक्टर में, और कुछ जैसे कि आपको बताया कुछ कैटेगरी और खराब हो सकती है, तो ये सब चीज एज एन इन्वेस्टर आपको जानना चाहिए। अब डीमार्ट भी कुछ चेंज कर रहा है, जो उनका डीमार्ट रेडी का जो प्रोग्राम है जहां पर आप ऑनलाइन यहां पर ऑर्डर देते हैं और फिर जो भी नियरेस्ट सेंटर है वहां से आप अपना जो भी ग्रोसरी या जो भी सामान है आप पिकअप कर सकते हैं। तो डीमार्ट रेडी जो है वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, वहां के कुछ सिलेक्ट पिन कोड्स में शुरू हो गया है, तो ये बिजनेस एक्सपांशन, बिजनेस चेंज के लिए ने नई चीज की है डीमार्ट ने दोस्तों, तो इसको जरूर ध्यान में रखें, एज एन इन्वेस्टर आपके लिए जानना जरूरी है। अब वैल्यूएशंस देखिए, मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ के आसपास और स्टॉक प्राइस 3,000 रुपए के पास में है दोस्तों। याद रखिए, आपको मैं थोड़ा पास्ट में ले जाता हूँ, जब इसका आईपीओ आया था तो 300 रुपए के पास में इसका आईपीओ आया था, और आईपीओ के दिन ही स्टॉक डबल हो गया था, 600 रुपए तक पहुंच गया था, और उस 600 से अगर आप देखें तो 5 गुना, जी हाँ, आईपीओ की ओपनिंग से 5x हो गया है और आईपीओ प्राइस से 10x हो गया है स्टॉक का प्राइस। और अभी देखिए जो वैल्यूएशन की हम बात कर रहे थे, यहाँ आपका ध्यान हम ले जाएंगे 200 के पास में पीई है, और 2 साल का पीई 68 जो एक किसी ब्रोकरेज ने भी एस्टिमेट किया है। फिर एक और यहाँ पर देखिए, इंडस्ट्री पीई तो 88 है, उसके हिसाब से महंगा है ही। प्राइस टू बुक देखिए 17 का है और बुक वैल्यू 175 की है, तो उसके हिसाब से भी देखें तो कंपनी आपको सस्ते में नहीं मिल रही है, डिविडेंड पे करती नहीं है, और पॉजिटिव चीज कंपनी की यह है कि बहुत कम डेट डेट है, आरओसी अच्छा है और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े, पर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूएशन के ही डेटा पर फोकस कर रहा हूँ, स्क्रीनर के डेटा के हिसाब से। म्यूचुअल फंड की भी एक्टिविटी समझ लेते हैं, ये देखिए जून का जो क्वार्टर था, अप्रैल में जून एक्सिस 2.8 था, फिर सितंबर में आप देखिए उन्होंने थोड़ी सी बिकवाली की, 2.494 हो गया, और फिर आप देखिए दिसंबर में फिर से खरीदारी की, 2.4 से 2.8 तक पहुंच गया, तो एक्सिस ने खरीदारी की है। फिर यहाँ स्टीडीली खरीदारी कर रहा है एसबीआई का म्यूचुअल फंड, 0.4 से 0.864, उससे 0.95, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड यहाँ पर बाइंग करता हुआ नजर आ रहा है। फिर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये देखिए 6.8 था, फिर 0.76 हुआ और यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है 0.66। उसके बाद देखिए डीएसपी म्यूचुअल फंड, डीएसपी ने 0.16 था, 0.18, फिर 0.20, तो उन्होंने भी बाइंग की है थोड़ी बहुत। और फिर कैनरा रोबेको, ये भी कंसिस्टेंट ही दिख रहा है, और मिरई एसेट वो भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन हाँ सितंबर से दिसंबर थोड़ा सा बेचा है। तो अगर म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो वो न्यूट्रल है
या फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, न्यूट्रल है या पॉजिटिव है, तो ये म्यूचुअल फंड एक्शन भी आपको कुछ मदद करेंगे। लेकिन ध्यान में रखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आपके सामने थे। कंपनी बहुत ही बढ़िया है, प्रोमोटर का बहुत ही रिस्पेक्ट है दमानी जी का, लेकिन कंपनी सस्ते में नहीं मिल रही है, इसीलिए कुछ होल्ड कॉल या फिर सेल कॉल आपको देखने को मिले हैं। तो उम्मीद है आप एक डिसीजन लेंगे, डेटा आपके सामने है, म्यूचुअल फंड ऐसा लगता है कि पॉजिटिव है, ब्रोकरेज हाउसेस ऐसा लगता है नेगेटिव है। आप जरूर अपने व्यू जरूर बताइए दोस्तों कि आपको क्या लगता है, ये जो शेयर है डीमार्ट का या एवेन्यू सुपरमार्ट का, आपके क्या व्यूज है। बिल्कुल आपके व्यूज का इंतजार रहेगा दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।